सुख आता है ऐसा नहीं है, लेकिन दुख हमेशा रेडी रहता है। सुख को तो आपको ढूंढ ढूंढ के लाना पड़ेगा, लेकिन दुख एक के पीछे एक के पीछे एक रेडी रहेगा, कठिनाई एक के पीछे एक रेडी रहेगी। उसका कारण ही है ताकि आप है ना वो सुख को, वो शांति को, वो खुशहाल बोलते ना जिंदगी को आगे जो हासिल करना चाहते हो ना, तो उन सबका जो स्टेज है, जो सीढ़ियां है ना, वो यही है। दुख, तकलीफ, संकट, मुसीबतें है ना, चुनौती, ये स्टेप्स बाय स्टेप्स हैं, और वो जो मंजिल है वो ही आपकी खुशी है। तो आपको ये सब स्टेज बोलते ना चढ़ते हुए जाना है, ये सारी सीढ़ियां आपको चढ़नी है। अगर आप एक ही सीढ़ी में हार गए ना, तब अपनी मंजिल जो आपका खुशहाल जीवन है ना, जो भी आप अचीव करना चाहते हो, वो आपको मिलेगा नहीं। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ट्यूशन टीचर में। मैं प्रीति अग्रवाल आज आपको सिखाऊंगी स्टैंडर्ड 6 के हिंदी पोयम तूफानों से क्या डरना, जिसे लिखा है कवित्री शिखा शर्मा जी ने। तो आपके सामने पेज है तूफानों से क्या डरना, शिखा शर्मा। परिचय, शिखा शर्मा प्रसिद्ध कवित्री मानी जाती हैं। प्रस्तुत कविता में मनुष्य की जुझारू वृत्ति को दर्शाया गया है। ठीक है, देखो ये पोयम जैसे मैं हमेशा सिखाती हूँ कि पहले स्टैंजास पढ़ूंगी फिर एक्सप्लेन करूंगी। इसमें चार स्टैंजास हैं, ये पहला पेज है और ये सेकंड पेज है। ठीक है, ये है ना बहुत ही एक बोलते हैं ना प्रेरणादायक लेसन है, जो हमें बोलते हैं ना पूरे जीवन भर याद रखना चाहिए कि हाँ हमें बचपन में है ना किसी ने बड़े होने तक की सीख अच्छी दी थी। तो सच में जो शिखा शर्मा जी ने लिखा है ना वो बहुत अच्छा लिखा है। उन्होंने ऐसा सोच के नहीं लिखा कि अरे बच्चे हैं तो ये बोलना उनको इस उम्र में ये सिखाना चाहिए क्या, क्योंकि आधे जन बहुत जन बोलते हैं कि अरे अभी तो बच्चा है, अभी तो बच्चा है, धीरे धीरे समझ जाएगा। नहीं, बच्चा है, जितनी चीज़ जो चीज़ जितनी जल्दी समझ में आ जाए है ना वो उतना बच्चे के लिए अच्छा है, क्योंकि आगे जाके है ना उसकी राह आसान हो जाती है। ठीक है, तो ये देखो जो लिखा है ना इसका जो नाम है पोएम का तूफानों से क्या डरना, ठीक है वो उन्होंने उसके ऊपर बताया। लेकिन उसको शुरू करने से पहले ना मैं आपको बताना चाहूँगी कि तूफानों से क्या डरना उन्होंने क्यों बोला है। एक तरीके से तूफान मतलब क्या हुआ, एक आपदा हुई, आपदा बोल सकते हो इंग्लिश में डिजास्टर, यानी कोई भी ऐसी मुसीबत जिसकी मनुष्य ने कल्पना नहीं करी होती। ठीक है, उन्होंने तूफान से आदमी को समझाया है कि आगे जीवन कैसा है, उसमें उसको क्या करना चाहिए, कैसे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, इस तरीके से उन्होंने बोलते ना प्रेरणा दी है। तो तूफान क्या है, एक तरीके से आपदा है, तो इन्होंने इधर तूफान का डाला है। तूफान एक तरीके से मुसीबत है आम आदमी के लिए। और इसी को अगर मैं बोलूं कि देखो ऐसे ही सेम आदमी के जीवन में है ना बहुत दुख है, ठीक है, तो उसके दुखों को हम बोल नहीं सकते कि किसको क्या दुख है, तो उन्होंने एक दुख को तूफानों के नाम दिया है। इसी तरीके से अलग अलग है ना, तो एक आपदा तो आप समझो, ये मैं अगर आपको ये दिखाऊं ये भी एक आपदा है कि किसी का घर टूटा है, ठीक है, ये भी एक आपदा है, ये भी एक दुख है। ठीक है, ये देखो कहीं आग लगी है, ये तो भले जंगल में आग लगी है, कभी कभी आपने देखा हो ना किसी के घर भी जल जाते हैं, वो है ना उसके रोजगार की जो फैक्ट्री होती है वो भी जल जाती है। ये देखो किसी की बोलते ना ख्वाहिश होती है कि वो इतना नाम धन दौलत कमाए, गाड़ी ले करे, बिल्डिंग के गिरने से उसकी गाड़ी तो टूटी टूटी है, और साथ में देखो ये जो घर किसी के बोलते ना सपनों का घर बना है वो भी टूटा है, ये भी एक आपदा है। ठीक है, ये देखो अचानक से भूकंप आता है, बोलते ना खुशहाल घर है और वो पूरा उसका टूट जाता है। ठीक है, तो ये चार जो मैंने आपको इमेजेस दिखाई ना, ये सब क्या है, आपदा है। इन सब आपदाओं में शिखा शर्मा जी ने एक बताया है कि तूफान, तूफानों से क्या डरना। ठीक है, तो मेरा कहना है कि आपदा कौन सी भी हो उनसे क्या डरना। ठीक है, तो इसको मैं शुरू करती हूँ, तो आप समझ जाएंगे कि टीचर ने वो दिखाया क्यों था। पहला पूरा वीडियो देखिए फिर समझ जाएंगे अच्छे से। नफरत करना नहीं किसी से, प्यार सभी से करना जी, तूफान तो आते रहते हैं इनसे भी क्या डरना जी, हिम्मत करने वालों को मिलती मदद सब लोगों की, सत्कर्मों की तुलिका से जीवन में रंग भरना जी। देखो उन्होंने क्या बोला है कि अगर तूफान आ गया, ठीक है, आपदा कभी भी कोई बुलाता नहीं है, है ना, तूफान को कोई बुलाता नहीं है, कोई भी अपने दुखों को आमंत्रण नहीं देता है कि हाँ दुख मेरे पास आओ, ऐसा कोई नहीं बोलता, हमेशा जाता है कि हमारे सुख के दिन कब आएंगे। ठीक है, सेम चीज हो गया कि कभी किसी से आप है ना नफरत मत करो, सबसे क्या करो
प्यार करो, ठीक है। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी, कि अगर आपके जीवन में कोई दुख आ गया है, कोई आपदा आ गई है, तो इनसे डरना नहीं है। जीवन है ये तो चलता रहेगा, है ना। अभी मैंने आपको चार आपदाएं दिखाई, कहीं बिल्डिंग गिर गई, कहीं आग लग गई, तो इससे क्या करेंगे, हमारे जो सालों की सोच होती है, सालों की मेहनत होती है, तो वो एक आपदा के आने से हम अपने लक्ष्य को भूल जाएंगे, नहीं भूलेंगे। आप खुद सोचो कि आप अपने इतने सालों से, आपको क्या ऐसा रोज होता है कि रोज आपदा आती है, रोज घर टूटते हैं, रोज आग लग जाती है, ऐसा कुछ होता है कि आप बोलते हैं हम दुख के उसमें गोल गोल चक्री में घूमते रहते हैं? नहीं। लेकिन हाँ, एक बात जरूर होती है कि जब भी कोई आपदा आती है, जब भी कोई दुख आता है, वो जितना हमने पीछे से मेहनत कर करके आगे आए होते हैं ना, वो एक बार में आगे आके ना, आदमी को आगे बढ़ना तो छोड़ो, एक जगह पे बोलते ना रोक देती है, उसका दिमाग ही उस टाइम पे बंद हो जाता है कि इस आपदा से निकला कैसे जाए। आगे जो हमने सोचा था, आगे जो हमने बढ़ने की कोशिश की थी, वो तो बहुत दूर की बात रह गई, लेकिन हम आगे कैसे बढ़ेंगे, पहले ये जो मुसीबत है ना, इससे निपटा जाए। यस, तो हमको हमेशा यही चीज सोचनी है कि जो भी आपदा ही है ना, उससे हमें निपटना है, उससे हमें डरना नहीं है। हिम्मत करने वालों को मिलती मदद सब लोगों की। देखो, जो हिम्मत करते हैं, है ना, तो वो हमेशा उनको कहीं ना कहीं किसी की मदद जरूर मिलती है। अब कितने एग्जांपल आप लगा लो, अगर छोटा सा एग्जांपल लगा लो, अगर कहीं बिल्डिंग में आग लग जाती है, अंदर कोई रह भी जाता है, तो आपने देखा है ना, ये दमकल फायर ब्रिगेड वाले आते हैं, उनको बचाते हैं, तो मदद तो आपको सबकी मिलती मिलती है। आपने देखो बिल्डिंग में आग लग जाती है, तो वो सामने वाले बिल्डिंग वाले या आस पड़ोस वाले वहां से शोर मचाना शुरू कर देते हैं ना, कि हाँ वहां बिल्डिंग में आग लगी है, लोग फायर ब्रिगेड को बुलाते हैं, तुरंत आते हैं, लोग बचाते हैं। अब उस दौरान देखो, जो घर का नुकसान हुआ, जो इंसानों को झेलना पड़ा, तो कोई बोलता है अपनी मुसीबत, बोलते अपनी किस्मत समझ लेता है, और कोई कोई ये बोलता है कि हाँ देखो इतनी मुसीबत में सबसे पहले ही बात है कि भले उसे ना वो जल गया, उसका नुकसान हो गया, देखो घर का जो नुकसान हो गया वो उसे बना लेगा, उसमें कोई नहीं। सबसे बड़ी बात कि उसने उतने भयंकर आग में अपना हौसला नहीं छोड़ा, कि आधे जन तो बोलते हैं ना कि हौका खाके ही मर जाते हैं, कि अरे बापरे आग लग गई अब तो मैं बचूंगा ही नहीं। उसने वो कल्पना नहीं छोड़ी, उसने वो इंतजार किया कि हाँ मुझे कोई ना कोई बचाने आएगा, या उस दौरान वो जो भी कुछ कर रहा होगा, उसने वो हिम्मत बरकरार रखी, और जब किसी ने बोलते ना फायर ब्रिगेड वाले को बुलाया, करा उनको, कि तब तक जो उसने अपना हौसला संभाल के रखा, तो जब वो बोलते ना उस आपदा से बाहर निकल के आएगा, तो लोग उसको बोलते ना, पहले तो बोलेंगे अरे बाप रे तुम्हारे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ, लेकिन बोलते ना जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, तो लोग ये भी तो उसकी तारीफ करेंगे, भैया तुम्हें तो हम मान गए कि तुमने अपनी हिम्मत नहीं खोई। तो ये पोयम भी आपकी यही है कि जब भी जीवन में कोई आपदा आती है, मैं सिर्फ तूफान और ये जो आग लग जा रही है, अर्थक्वेक आ रहा है, इसके लिए नहीं कह रहे हो, आपके जीवन में इसका मतलब है कि आपके जीवन में जो भी दुख तकलीफ बोलते ना दर्द आ रहा है, उससे निकलने की कोशिश करो। उस टाइम पे ना अपनी हिम्मत मत हार देना, क्योंकि अगर एक बार अपने हिम्मत हार दिया, तो लोग आपको बोले ले ये तो हमारे साथ भी हो, तो इतने में हिम्मत आ गया, जिंदगी तो बहुत बड़ी है, ठीक है। और आप उसी दौरान में उस मुसीबत का सामना कर लोगे ना, तो लोग वही बोलेंगे कि हाँ मुसीबत का सामना किया, मानना पड़ेगा तुमने तो सही बुद्धि चला ली उस टाइम पे। तो कहने का मतलब यही है कि जब वक्त बुरा आएगा, तो आपको क्या करना है, हौसला नहीं हारना है, हिम्मत नहीं हारनी है, आप हिम्मत बरकरार रखोगे, कोई ना कोई आपकी मदद के लिए जरूर आएगा, ठीक है। सत्कर्मों की तुलिका से जीवन में रंग भरना जी। देखो हमेशा अच्छे कर्म करते रहो, यहाँ पे तुलिका मतलब ब्रश बोला है उन्होंने, कल्पना की बोलते ना काल्पनिक लाइन दे, कि अच्छे काम करते रहो और एक ब्रश से अपने जीवन में अच्छे अच्छे रंग भरते रहो तुलिका, ठीक है। यानी कहने का मतलब अच्छे अच्छे काम करो और अपने जीवन में अच्छे अच्छे रंग भरो, ठीक है। ये मैंने आपको यहाँ पे फर्स्ट पैरा स्टैंजा सिखा दिया, ठीक है। हार जीत का खेल है जीवन, खेल समझ कर खेलो, जो भी मिलता हाथ बढ़ाकर खुशी खुशी तुम ले लो, जब तक जियो हंसकर जियो, एक दिन सबको जाना जी, तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। बहुत अच्छा लिखा ना। देखो मैंने हमेशा ये बात बोलती हूँ ना, कि आपके सामने कोई चीज आती है ना, तो पहले आदमी हमेशा क्या सोचता है, हम ये काम करेंगे। वो पहले से कोई चीज उसके सामने आ गया, तो पहले उसको ये होता है हम और ये नहीं बाबा नहीं, ठीक है। अरे तुम बोल तो रहे हो हम कर तो लेंगे, अगर हार गए तो फिर नाम का क्या होगा, सामने वाला क्या सोचेगा। अरे बेटा सामने वाला कुछ नहीं सोचेगा, वो ये सोचेगा कि आपको मानना पड़ेगा कि कम से कम आपने उस जगह पे जाके पार्टिसिपेट किया, उस चीज का आपने सामना किया, क्योंकि एक हार दूसरे हार के लिए तैयार रहती है। कौन सी हार, यानी एक हार जो आप हार गए, ठीक है, मतलब जीते नहीं हार गए, है ना। और एक हार से जो आप सीखोगे, तो जब आप जीतोगे तो आपको मालूम है फूलों का हार पहनाया जाता है, तो इसीलिए बोलते ना कि एक हार दूसरे हार के लिए तैयार रहती है, ठीक है। हार जीत का खेल है जीवन, खेल समझ कर खेलो, देखो जो मिलता है हाथ बढ़ाकर खुशी खुशी तुम ले लो, आज इतना हासिल हुआ है कल ज्यादा हासिल होगा। देखो कोई भी इंसान आप देख लेना, चाहे मैं अपने क्यों ना बोलूं, है ना,
कोई भी आदमी ऐसा नहीं चाहेगा ना कि उसको कोई भी चीज कम मिले, हर आदमी चाहता है उसको ज्यादा मिले, लेकिन आप ज्यादा के चक्कर में कम की चीज नहीं छोड़ सकते। इसलिए इंग्लिश में बोलते हैं ना, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, यानी कुछ ना कुछ आपके हाथ में जरूर हो, इसलिए हाथ बढ़ाकर आप खुशी खुशी तुम ले लो। नहीं नहीं नहीं, हम ऐसा सब नहीं करते, हम तो बोलते ना लेंगे तो एकदम अच्छे से ही करेंगे, ऐसा छोटा मोटा हम नहीं करते। नहीं, छोटा मोटा कुछ नहीं होता है, आप करोगे तो आपको बोलते हैं प्रैक्टिस होगी, तब आपको पता चलेगा कि ज्यादा जो आपने हासिल किया वो कैसे किया। क्योंकि जीतने के बाद जब आपसे कोई पूछता है ना कि आपने जीता इस दौर का, आप बताओ, तभी तो आप बता पाओगे। एक साथ ले लोगे तो आप क्या बता पाओगे किसी को, कुछ नहीं बता पाओगे। नेक्स्ट देखो, जब तक जियो हंसकर जियो, एक दिन सबको जाना जी, तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। देखो बहुत सिंपल है कि आपको इतना भी नहीं डरना है कि बोलते ना कोई मुसीबत आ गई, नहीं हमें रिस्क नहीं लेना है। क्यों नहीं रिस्क लेना है, हम क्या अमर होने आए हैं? मैं बहुत पहले से बोलती आती हूँ, तो बहुत जनों का ऐसा कहना भी है कि ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए। क्यों नहीं बोलने चाहिए, देखो अभी आ ही गया ना। जब तक जियो हंसकर जियो, एक दिन सबको जाना जी, जाना जी मतलब जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु निश्चित है, सबकी उम्र लिखी आई है, किसी को कब और किसी को कब। लेकिन मेरा कहना क्या है, जीते जी बोलते ना कि सिर्फ आपके प्राण चल रहे हैं, आपको कोई नहीं जानता, कुछ नहीं कर रहे, और ख्वाब आपके इतने बड़े हैं कि पूरा जग आपको जाने। तो जग आपको तब जानेगा जब आप हिम्मत करोगे कुछ करने की, और सिर्फ सोच के बैठ जाओ नहीं हमसे कुछ नहीं होने वाला, हम हार गए तो वो हमारे बारे में क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा, वो कुछ नहीं सोचेगा। आप कुछ करोगे तो वो और बोलेगा, देखो उसने इतनी हिम्मत तो की, तुमने की क्या? तो आपका कहना है कि आपको डरना नहीं है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो, एक दिन तो सबको ही जाना है ना, कोई यहाँ पे अमर होने नहीं आया है। ठीक है, धूप छांव जीवन का हिस्सा, कभी उजाला कभी अंधेरा, रात हो चाहे जितनी लंबी, उसका भी अंत है सवेरा। समय एक सा कभी ना रहता, थोड़ा धीरज धरना जी, तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। ये तो अभी जब आपने दो स्टैंजा मेरे यहाँ तक सुन लिए, तो तीसरे वाले भी आप अच्छे से समझ गए होंगे कि लिंक में वो जो शिखा शर्मा जी है वो क्या कहना चाह रही है। ये पूरा उन्होंने जीवन के बारे में बताया कि अभी आप धीरे धीरे बड़े होते जा रहे हो, 10 तकलीफें आपको आती जाएगी, एक से निपटते हैं तो बोलते हैं दूसरी तैयार रहती है ना। धूप छांव जीवन का हिस्सा, यस। देखो मॉर्निंग होती है, धीरे धीरे हमको वैसा लगता है ना कि अभी थोड़ा सा अंधेरा है, थोड़ा सा धूप निकल जाए तो एक बोलते ना जोश आ जाएगा उधर, है ना। तो धूप छांव जीवन का हिस्सा, कभी उजाला कभी अंधेरा, रात हो चाहे जितनी लंबी, उसका भी है अंत सवेरा। बहुत सिंपल है, कभी उजाला होता है तो कभी अंधेरा होता है, अंधेरा होता है तो हम क्या करते हैं, अंधेरा इसमें के हिसाब से करेंगे तो हम बोलते हैं ना रोशनी लगाते हैं, लाइट्स लगाते हैं, ताकि वो अंधेरा जो है ना निकल जाए, उस अंधेरे से हमें डर ना लगे। ठीक है, सेम चीज, जब भी आपके पास मुसीबत आती है, कोई ना कोई तो दिमाग ट्रिक लगाओ कि ऐसा कौन सा बल्ब ऑन करो उस मुसीबत को हम निकाल सकें। आप रस्ते ढूंढोगे तो रस्ते मिलेंगे, और पहले से ही डर के बैठ जाओगे तो दुनिया आपको आके और डराएगी, अरे तुमने ऐसे किया ना, ऐसे हुआ, अब तो ऐसे होगा, कुछ ऐसे नहीं होगा, जो हुआ वो हुआ, हमको बल्ब ढूंढना है। चाहे बोलते ना फ्लैश लाइट ही क्यों ना हो, माचिस की कांडी का तो पहले एग्जांपल देते थे ना कि एक छोटी सी लौ जल रही होती है ना, रोशनी की उम्मीद कहलाती है। तो आप लोगों बच्चों लोगों के लिए मोबाइल था सबके हाथ में है ना, तो कैसे फ्लैश लाइट हम ऑन कर लेते हैं, है ना। ऐसे जीवन में कोई बड़ी लाइट हमने ऑन करी नहीं करी, घर की ट्यूबलाइट, अंधेरा है ना तो उजाला किससे किया, फ्लैश लाइट से सबसे पहले हम करते हैं। ऐसे जीवन में कोई भी दुख तकलीफ आता है, दिमाग को है ना ट्यूबलाइट समझो, फटाफट जलाओ कि इसका है ना क्या रास्ता होगा। और जितनी भी लाइट है ना वो हमारा दिमाग है, ठीक है, वो हमारा दिमाग सोचता है, उसके बाद सारे एक्शन होते हैं। रात हो चाहे जितनी लंबी, उसका भी है अंत सवेरा। देखो सबसे अच्छी जो लाइन है ना वो यही है, रात हो चाहे जितनी लंबी, दुख कितना भी लंबा क्यों ना, कोई देखो दुख सबको आते हैं, कुछ लोग बहुत जल्दी उससे निकल जाते हैं। जैसे मैंने आपको बोला ना कि ट्यूबलाइट क्या है, आपका दिमाग है, ठीक है ना, यानी आपका दिमाग से आप अपनी तकलीफों को दूर कर सकते हो। लेकिन किसी किसी का कैसा होता है ना, बोलते ना कि सही टाइम पे बोलते ना बत्ती नहीं जली, या सही टाइम पे उसको कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं मिला, या हो सकता है कि उसको अंदर से और मजबूत होना था, उसने कोई बड़ी बात नहीं है कि हाँ उसको वो मुसीबत से जल्दी निकल गया और वो मुसीबत से लेट निकला, वो सब नहीं है, उसको कुछ ज्यादा सीखना था, इतना ही अंतर है, बाकी कुछ नहीं है। कहने का मतलब सिर्फ क्या है, रात हो चाहे जितनी लंबी, उसका भी है अंत सवेरा, यानी आपको दुख कितना भी बड़ा क्यों ना हो, आपको सुख मिलेगा ही, उस दुख का अंत होगा ही, क्योंकि अंत है सवेरा, है ना, दुख के बाद सुख आता ही है, ये कन्फर्म है। लेकिन हमको ये चीज है ना, ये हमारे लिए तो है ही है, लेकिन ये उन लोगों के लिए भी है स्पेशली जो लोग किसी का दुख देखकर, है ना, ये सोचते हैं कि ये कभी भी है ना इस दुख से बाहर नहीं निकल पाएगा, उस दुख से तो निकल लिया, अब इससे कैसे निकलेगा। ये जो लोग सोचते हैं ना, ये लाइन उनके लिए भी है कि उनको भी एक सीख रखनी चाहिए, ये उनको भी समझना चाहिए। रात हो चाहे जितनी लंबी, उसका भी है अंत सवेरा, यानी कोई भी आदमी हो उसके जीवन में बोलते ना कितनी कठिनाई तकलीफ क्यों ना हो, वो
एक वक्त पे आके है ना उसकी वो दुख तकलीफ संकट जो है ना वो उसका दूर होगा, है ना। उस वो इंसान है, इंसानों से गलती होती है, वो आगे बढ़ेगा, उसके जीवन में खुशियाँ आएंगी। लेकिन जब उसके जीवन में खुशियाँ आएंगी ना वो आपको नहीं भूल पाएगा। चाहे इसमें पोएम की ना पहली एक लाइन है, नफरत करना नहीं किसी से, प्यार सभी से करना जी, है ना। लेकिन ये कहने का क्या है कि जब आपको दुख तकलीफ आपके ऊपर आ रही है या आपके किसी परिचित के ऊपर आ रही है ना, तो आप उसका साथ मत छोड़ो। ये दोनों के लिए, जिस पे बीत रही है उसके लिए भी है, और जो उसको देख रहा है कि हाँ ये दुख में है, तकलीफ में, संकट में, जो उसका सोचता है ना कि नहीं हमें इसका साथ नहीं देना है ना, नहीं तो हम ही जल जाएंगे, है ना, नहीं तो हमारी कोई बोलते ना तकलीफ आ जाएगी, हम नहीं पढ़ते किसी केस में, तो ये उनको भी याद रखना है, उसका भी है अंत सवेरा, है ना। लेकिन आपको ये याद रखना है कि फिर वो पहली वाली लाइन है ना मैच नहीं करेगी, नफरत करना नहीं किसी से, प्यार सभी से करना जी। बेटा देखो ये प्रैक्टिकल जो चीजें है ना वो मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आप भी याद रखो कि आपके साथ हो रहा है तो आप भी ये हिम्मत रखो कि उसका भी है अंत सवेरा। जीवन बोलते ना जीवन में याद रखो, इस लाइन को हमेशा याद रखना कि हाँ हम बचपन से सीख के आए ना, तो कुछ गलत किसी ने नहीं लिखा है, है ना। भगवान ना करे आगे कोई तकलीफ आए, लेकिन देखो हमेशा याद रखना सुख का तो सुख आता है ऐसा नहीं है, लेकिन दुख हमेशा रेडी रहता है। सुख को तो आपको ढूंढ ढूंढ के लाना पड़ेगा, लेकिन दुख एक के पीछे एक रेडी रहेगा, कठिनाई एक के पीछे एक रेडी रहेगी। उसका कारण ही है ताकि आप है ना वो सुख को, वो शांति को, वो खुशहाल बोलते ना जिंदगी को आगे जो हासिल करना चाहते हो ना, तो उन सबका जो स्टेज है, जो सीढ़ियां है ना, वो यही है। दुख तकलीफ संकट मुसीबतें है ना, चुनौती, ये स्टेप्स बाय स्टेप्स हैं, और वो जो मंजिल है वो ही आपकी खुशी है। तो आपको ये सब स्टेज बोलते ना चढ़ते हुए जाना है, ये सारी सीढ़ियां आपको चढ़नी है। अगर आप एक ही सीढ़ी में हार गए ना, तब अपनी मंजिल जो आपका खुशहाल जीवन है ना, जो भी आप अचीव करना चाहते हो वो आपको मिलेगा नहीं, ठीक है। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। तो मैंने आपको पहले बता दी ना, दुख तकलीफ ये जो भी आपकी आएंगी ये सब तूफान है ना, एक एग्जांपल मैंने दिया, तूफान तो आते रहते हैं इनसे भी क्या डरना जी। हमारी मंजिल तो क्या है, जो हमने टारगेट किया है खुशहाल जीवन, हमें ये बनना है, हमें वो चाहिए, ठीक है। देह अभिमान के कारण देखो कितनी महामारी है, सबको सच्ची राह दिखाना अपनी जिम्मेदारी है, आत्मज्ञान के दीप जलाकर दूर अंधेरा करना जी, तूफान तो आते रहते हैं इनसे भी क्या डरना जी। देखो इसको भी अगर प्रैक्टिकल में देखो, देह अभिमान के कारण देखो कितनी महामारी बोलो तो, अभी जैसे कोविड आके गया एक एग्जांपल, वो बोलते ना सबको छू रहा था, तकलीफ थी है ना, तो सेम देह अभिमान के कारण किसी को बोलते हैं ना कि अपने ऊपर है ना बहुत प्राउड फील होता है, नहीं मैं इतना ब्यूटीफुल हूँ, मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ, मैं इनसे बात नहीं करती हूँ, ये कैसे दिखते हैं इनमें, तो ये तो जजमेंट होता है ना, कोई किसी के कलर को देख के, स्किन कलर को देख के, उसके कॉस्ट्यूम को देख के, उसकी हाइट को देख के, बोलते उसके बॉडी स्ट्रक्चर को देख के जो लोग जज करते हैं ना कि नहीं हमको क्या बोलने की जरूरत है, हमारी खूबसूरती तो पूरी दुनिया बोलती है। तो जो लोग ऐसा सब सोचते हैं और सामने वाले को कुछ नहीं समझते हैं ना, तो उन्होंने उसको वही बोला है कि एक तरीके से महामारी है, ठीक है, कि जो लोग अपने आप को प्राउड फील करते हैं उनके जैसे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो देश में ना हर नागरिक को एक दूसरे को उस नज़र से नहीं देखते, लेकिन ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इंसान है, ऊपर वाले ने बनाया है, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ हुनर दिया है, किसी को सुंदरता का दिया है, किसी को बुद्धि का दिया है, ठीक है, और किसी को बोलने का दिया है, मतलब कुछ ना कुछ हुनर लेके भेजा है। ये चीज़ मत सोचो कि सिर्फ इंसान की, जो हम बोलते ना सालों से यही सीखते रहे कि ये सुंदर दिख रहा है तो ये अच्छा होगा, ये चीज़ गलत है। वो कैसा भी दिख रहा है, वो इंसान है, पहले ये सोचो कि उसके अंदर हुनर क्या है, वो देखना शुरू करो। बस हुनर है वो काला है, नहीं उससे, अरे उसने ऐसे कपड़े पहने हुए, वो चीज़ अगर जज करोगे तो फिर उसका कुछ नहीं है, ठीक है, फिर वो महामारी बोलते ना फैलती चली जाएगी। सबको सच्ची राह दिखाना अपनी जिम्मेदारी है। देखो अगर ये सब चीज लोग सोच लेना कि सच्ची राह हमको सबको दिखानी चाहिए, ठीक है, अभी ये तो लाइफ का बोल रहे हैं, अगर हम रियल में भी किसी को एड्रेस पूछ रहे थे ना कि भैया ये किधर है, तो उसे मालूम नहीं, तो हमें लगता है रियल में कि नहीं इसे सच में नहीं मालूम, बाद में मालूम पड़ता है कि अरे सामने ही वो चीज है, यानी उसके उसको पता होता है। लेकिन वो बोलते हैं आजकल लोग किसी को रियल का रास्ता दिखाने के लिए तैयार नहीं है, ये तो जिंदगी की राह बोल रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि अगर आपको आपके सामने कोई ऐसा इंसान आता है जो चीज वो मुसीबत में है और आपको पता है कि उस मुसीबत का हल क्या है, तो आप उसको वो हल बता दो। ये मत सोचो घूमने दो ना, परेशान हो रहा है होने दो ना, ये जो अंदर आदमी थिंकिंग रखता है ना, इसकी वजह से है ना बोलते हैं ना कहीं हमारा देश विकसित ही नहीं कर पाता, और फिर बोलते हैं कि नहीं हमारे देश में रखा क्या, अब तो विदेश जाके काम करेंगे। तो ये क्या है, एक दूसरे को हमें मदद करते रहना है, उसको मुसीबत से हटाएंगे तो क्या होगा, उसका बोलते ना माइंड फ्री रहेगा, उसका वो दिन बचेगा, वो आगे अपने जीवन में कुछ करेगा तो हमारा देश ही प्रगति करेगा ना। तो हमें ये सब चीज सोचते जाएंगे डिटेल में तो सब चीजों का रास्ता निकलेगा, और ऐसा सोचो हमें क्या पड़ी है इससे, ऐसा सोचोगे
तो कहीं ना कहीं हम एक दूसरे से सब कनेक्टेड है। आत्मज्ञान के दीप जलाकर दूर अंधेरा करना जी, तूफान तो आते रहते इनसे भी क्या डरना जी। देखो आत्मज्ञान के दीप जलाकर, जैसे मैंने आपको पहले ही बोला ना कि अगर आप मुसीबत में हो ना तो अपना जो दिमाग है ना यही ट्यूबलाइट है, ठीक है ना, यानी यही आपको सब रास्ते दिखाएगा। चाहे आपको भले आप बोलो टीचर हमने को तो उसने मदद की थी, किसी ने भी मदद की थी, पहले तो आप अपने दिमाग की ट्यूबलाइट चालू करते हो ना, यानी अपने दिमाग से जब आप परेशान होते हो तो आप खुद सोचते हो कि अब इसमें क्या किया जाए, तब आपके भले दिमाग में आ जाए कि हाँ हम फलाना के पास जाते हैं, हाँ हम उधर जाके एक बार ट्राई करते हैं, चलो एक बार उससे मिलके देखते हैं, चलो एक बार ये करके देखते हैं। वो कब होगा? जब आप अपने आत्मज्ञान की दीप जलाओगे। आत्मज्ञान मतलब खुद दिमाग लगाओगे कि हाँ हमें ये चीज करनी है, यानी वो बत्ती जली ना आपकी, तो आपको पहले जो भी कुछ करना है आपको करना है। आपको क्या करना है? हिम्मत नहीं हारनी है, डरना नहीं है, किसी का मजाक नहीं बनाना है। अगर आपके पास रास्ता है तो लोगों को रास्ता दिखाना है, ठीक है। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी, यानी 100 बात की एक बात कि एक वक्त ऐसा जीवन में हर किसी के आता है। अभी तो बेटा बहुत छोटे हो, लेकिन जो पोएम दी है उसके हिसाब से ही डिटेल में दी है। ये पहली ऐसी पोएम है जो ऐसा सोच के नहीं बनाई गई कि हम बच्चों को सिखा रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये पोएम मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि आजकल के बच्चे है ना बहुत स्मार्ट है, लेकिन माँ बाप के मन में कहीं ना कहीं ऐसे रहता है कि नहीं नहीं बच्चों को इतना नहीं प्रेशर करना चाहिए, अभी तो इनकी खेलने कूदने की उम्र है। फिर बाद में जाके है ना, जब वो उम्र काम करने की होती है ना, तब वो ये सब सीख सीखते हैं ना, तो उसमें भी साल निकल जाते हैं। फिर जब तक ये सीखते हैं तो वो वाले आगे की उम्र निकल जाती है। तो सबसे अच्छा जो है ना कि इस पोएम में जो है ना कि आपके ऊपर कोई मुसीबत आए या आपके चाहने वालों के ऊपर, ये चाहे परिवार वाले हों दोस्ती है, उनमें से ना कभी किसी का साथ मत छोड़ना। अगर आप किसी का साथ नहीं छोड़ते हो ना तो ये भी सबसे बड़ी बात, तो भी ये लाइन वही आएगी, तूफानों से क्या डरना जी। सिर्फ अपने ऊपर आया तो हमने वो सोच लिया कि अरे तूफान आया हमने डरेंगे, हमारे टीचर ने बोला था कोई भी तकलीफ हो है ना तो हमने तो वो डट के किया, हमने वो चीज को बोलते ना अमल कर लिया। एक चीज ये भी अमल रखना कि आपके जो भी जाने वाले हैं, आपके जान पहचान में जितने, उनके ऊपर भी कोई तूफान यानी कोई मुसीबत आती है ना तो आपको उनका साथ देना है, अगर आपके पास उसका सॉल्यूशन है तो। आप पीछे मत हटना कि नहीं नहीं हम इसमें नहीं जाएंगे, है ना, नहीं तो क्या होगा, जो मैंने आपको पहले लाइन बोली ना कि सेकंड वाले में, रात हो चाहे जितनी लंबी उसका भी है अंत सवेरा, है ना, यानी उनका भी जब वो दुख तकलीफ कंप्लीट हो जाएगी, वो भूल जाएंगे, उस चीज से निकल जाएंगे, है ना, तो उनको कौन याद रहेगा? आप याद रहोगे। क्यों याद रहोगे? क्योंकि आपने उनको किस टाइम पे मदद नहीं की? तूफानों के टाइम पे, जब उनको मुसीबतें थी, तकलीफें थी, तो आपने उनको क्या नहीं की, बोलते ना मदद नहीं की। तो ये लेसन बहुत सिंपल भी बोल सकते हो और एक अच्छा भी बोल सकते हो, अगर आपने ध्यान से सुनोगे समझोगे। तूफानों से क्या डरना, हकीकत में आपके चाहे जीवन में दुख आए, तकलीफ आए, आपके आपके परिजन के, ठीक है, तो आपको उनके साथ रहना है, उसमें से डर के भागना नहीं है। अगर आप ये सब चीजें कर लेते हो तो आप हिम्मत वाले कहलाते हो, आज नहीं तो कल। बोलते ना कि आदमी बोलेगा कि हाँ ये आदमी हकीकत में इंसान है, कोई कोई बोलते ना ये इंसान है, भगवान ने बस डाल दिया, सांसें ही चल रही हैं। नहीं, इंसान का मतलब होता है कि उसके अंदर इंसानियत होनी चाहिए, ठीक है। तो ये पोएम अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।